अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीट बेल्ट भूल गए, सीट बेल्ट जी। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्तान शरीफ में मौजूद हैं, मुल्तान शरीफ के फैज़ान मदीना में मौजूद हैं, और ये गेट खुल चुका है, हम निकल रहे हैं। बाकी ये कि यहाँ पे मज़ारात औलिया बहुत सारे हैं, कुछ मशहूर हैं जिनको हम भी जानते हैं, तो उनमें से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज दो मज़ारात पर हाज़िरी देने की नीयत है। एक तो बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाही ताला अलैह, और दूसरे शाह रुकन-ए-आलम रहमतुल्लाही ताला अलैह। तो उनके मज़ारात पर अभी जा रहे हैं, देखते हैं पहले कौन से मज़ार पर जाएंगे। बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाही, पहले उनके मज़ार पर जाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल, फिर नेक्स्ट हम बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाही हज़रत शाह रुकन-ए-आलम रहमतुल्लाही ताला अलैह के मज़ार पर पास ही खड़े हैं। उईज़ भाई हमारे साथ हैं, फ़ज़ैल भाई साथ हैं, कबूतरों को भी दाना डालेंगे और फिर मज़ार पर हाज़िर करेंगे। फ़ज़ैल भाई अब कहाँ जाएंगे? इंशाल्लाह तबारक व तआला। देखिए यहाँ जैसे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाही ताला के मज़ार पर हाज़िरी दी, अब इंशाल्लाह तआला इरादा है कि शाह रुकन-ए-आलम रहमतुल्लाही ताला अलैह इनके मज़ार पर इंशाल्लाह हाज़िरी के लिए चलते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह शाह रुकन-ए-आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हैं, जो कि बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पोते हैं। उईज़ भाई थोड़ा सा ज़रा बताएं किस तरह ये बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह दादा थे और शाह रुकन-ए-आलम रहमतुल्लाहि ताला अलैह इनके पोते थे, तो ये इनके मज़ार के इनको जब दफनाया गया तो इनके कदमों में दफनाया गया, तो वक्त के गवर्नर के ख्वाब में आए ये अपने बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह और फरमाया कि ये जो मेरे पोते हैं ये इनकी विलायत के आला मर्तबे पे, तो इनको यहाँ से किसी और जगह पर दफनाया जाए, क्या कहते हैं? क्योंकि मैं अपने पैर मुकम्मल फैला नहीं सकता, क्योंकि ये विलायत के इतने मकाम और मर्तबे पे कि उस सब में शामिल, उस सब में शामिल, लिहाजा फिर इनका अलग से मज़ार। ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो यहाँ का गवर्नर था मुल्तान का, उसने अपने लिए मकबरा बनवाया था, फिर यहाँ पर हज़रत शाह रुकन-ए-आलम रहमतुल्लाहि ताला की तदफीन ये हज़ारों लोगों की मौजूदगी के अंदर की गई। चार पाँच इस्लामी भाई थे, मज़ारात पर हाज़िरी दी हमने, और अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ है कि इसी तरह अल्लाह अज़्ज़वजल हमें बार बार मज़ारात पर हाज़िरी देने की सआदत अता फरमाए, और ये जो हमने आज जो मज़ारात पर हाज़िरी दी इसका सवाब बिलखसूस हम हमारे जो रुकने शूरा हैं अब्दुल हबीब अत्तारी, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ है दो दिन पहले, तो उनको इसाल करते हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मगफ़रत फरमाए, और उनके सबके हमारी भी मगफ़रत फरमाए। जी माशाल्लाह सलीम बिलाली भाई, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा ताउन किया हमारे साथ, हमें मज़ारात पर लेकर आए, मतलब रास्ते वगैरह बताए, तो बिलाल भाई जज़ाकअल्लाह, हमें रास्ते में चाय भी पिलाई, मैं नहीं पीता, मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली, बाकियों को चाय भी पिलाई। अब बस मजलिस हज उमरा और मजलिस राबता के ज़िम्मेदार हैं माशाल्लाह, अब हम जाएँगे इंशाअल्लाह। तो आप सब भी अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।